आज मैं आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो दूसरे तरीके से कैसे बनाते हैं, सेकेंड मेथड क्या है पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाने का। तो देखिए, मैंने हाल फिलहाल में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो कैसे बनाते हैं। आज मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा। तो देखिए, बहुत ही कॉमन सा एक तरीका होता है, वो है आपका क्रॉप टूल से फ़ोटो को कटिंग करके बनाया जाता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो बहुत जगह इस तरह से काम किया जाता है प्रोफेशनल लेवल पे। तो चलिए देखते हैं दूसरा तरीका क्या है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाने का। और फिलहाल मैं बताऊंगा आपको एडोबी फोटोशॉप 7.0 के अंदर। तो आपके पास जो भी वर्सन है फ़ोटोशॉप का, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको तरीका फॉलो कीजिएगा, आप भी दूसरे तरीके से पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं, दूसरा मेथड क्या है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाने का। तो इसको फ़िलहाल मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ, इन फ़ोटोज़ को। अब करना क्या है, सबसे पहले आप फ़ोटोशॉप को ओपन करें, या हम लोग फाइल में जाते हैं, उसके बाद ओपन पे क्लिक करते हैं। अब एक फ़ोटो लेकर आते हैं जो ऑलरेडी मेरे पास है। आपने फ़ोटो चाहे वो आपने DSLR से खींचा हुआ है, चाहे मोबाइल से खींचा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको तरीका पता होना चाहिए। तो अब किसी भी फ़ोटो के साथ आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बना सकते हैं। यहाँ देखिए एक फ़ोटो है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और ओपन पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए वो फ़ोटो यहाँ पे आ चुका है, देख सकते हैं ये फ़ोटो यहाँ पे दिख रहा है। अब इस फ़ोटो को आप गौर से अगर देखिएगा, यहाँ पे देखिए हाथ भी दिखाई दे रहा है, प्लस पूरा बॉडी यहाँ तक, हाफ बॉडी तक यहाँ तक दिखाई दे रहा है। तो आपने अगर इतना पासपोर्ट का जो फ़ोटो आपने खींचा होगा, तो हो सकता है आपका कंधा तक ही होगा, लेकिन मेरा यहाँ तक फ़ोटो है। तो इससे भी आप बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने क्लोज़ फ़ोटो लिया हुआ उसी से बना सकते हैं, फुल फ़ोटो से भी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो फ़ोटो यहाँ पे आ चुका है। अब दूसरा जो काम करना है आपको, यहाँ पे फाइल में जाना है, जाने के बाद यहाँ पे न्यू में क्लिक करना है। न्यू में क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए इस तरह से न्यू का एक डायलॉग बॉक्स खुलता है। आप चाहें तो यहाँ पे नाम दे सकते हैं, तो यहाँ पे मैं एक नाम दे देता हूँ, जैसे पासपोर्ट नाम दे दिया। आप चाहें तो दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो प्रीसेट साइजेस लिखा हुआ जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसके डाउन बटन पे क्लिक करें, और यहाँ पे एक पेज साइज आप A4 लेना है। यहाँ पे देखिए A4 पे क्लिक कर देते हैं। अब A4 पे तो मैंने क्लिक कर दिया। अब क्या है, यहाँ पे देखिए मिलीमीटर में साइज दिखाई दे रहा है, इसके डाउन बटन में मिलीमीटर नहीं है, तो MM कर लें। यहाँ पे मैंने मिलीमीटर कर लिया है। तो बहुत जगह इंचेस में साइज लिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको स्टैंडर्ड साइज लेके बताऊंगा, जो बहुत ही स्टैंडर्ड साइज है। अभी तो पासपोर्ट साइज, अभी स्टैम्प साइज भी हो गया है, बैंक के लिए भी अलग अलग साइजेस यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो चौड़ाई है वो मैं यहाँ पे लूँगा, चौड़ाई जो लूँगा मैं आपका 30 mm का लूँगा, मैं 30 mm का लिया है। और जो इंचज में लेते हैं वो 1.2 inches का लेते हैं, और हाइट है यहाँ पर, तो मैं लूँगा यहाँ पर हाइट आपका 40 mm का लेता हूँ, थोड़ा सा 19-20 रहता है हाइट। बहुत जगह पे 1.6 inches का भी लिया जाता है, कहीं कहीं देखिएगा 1.5 inches का भी लिया जाता है। फिलहाल मैंने मिलीमीटर में ले रखा हूँ। अब यहाँ पे रिजोल्यूशन मेरा 300 है, RGB मोड कलर देख सकते हैं RGB मोड में है, और ये जो बैकग्राउंड होगा वो वाइट होगा, वाइट चूज़ किया हुआ है। साइज़ देख लीजिए, इतना करना होगा, उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। अब क्या होगा, ये जो पूरा का पूरा जो कैनवास यहाँ पे आया हुआ है, देख सकते हैं पासपोर्ट लिखा हुआ है, पूरा का पूरा जो साइज़ है वो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो का साइज़। मैंने एक पूरा पेज कैनवास ले लिया है। अब क्या करना है, यहाँ पे ये जो फ़ोटो हम लोग लेकर आए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो फ़ोटो है, इसे क्या करना, अपने ये जो पासपोर्ट साइज़ का जो हम लोगों ने पेज लिया था, कैनवास लिया था, वहाँ इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है सिंपली। अब इसको मैं देखिए यहाँ से ड्रैग करके ले जाता हूँ और अपने पेज पे लाके ड्रॉप कर देता हूँ। अब ये जो फ़ोटो था, यहाँ मेरा ये पासपोर्ट साइज़ का जो पेज लिया हुआ था, इसमें ये फ़ोटो यहाँ पे आ चुका है, देख सकते हैं। अब इस फ़ोटो की अब कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से इसको मैं क्लोज़ यहाँ से कर देता हूँ, ये मैंने क्लोज़ कर दिया। अब क्लोज़ करने के बाद देखिएगा, अब मेरा तो पूरा फ़ोटो था भाई, तो सिर्फ चेहरा ही सिर्फ इतना ही आया है, तो इसको कैसे करेंगे। हो सकता है आपका छोटा सा फ़ोटो हो, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे पहले ये जो बटन दिखाई दे रहा है आपका मैक्सिमाइज का, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब इसको थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट करेंगे, मतलब ये है पासपोर्ट साइज़ का ये जो साइज़ है, इसके अंदर ही मुझे इस फ़ोटो को एडजस्ट करना है।
तो इसको कैसे करते हैं वो भी मैं चलिए दिखाता हूँ। तो उसके लिए आपको स्केलिंग करना होगा। तो एक तरीका क्या है, देखिएगा कि यहाँ पे हर कॉर्नर में, हर सॉफ्टवेयर में जितने भी फोटोशॉप के हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देता है, यहाँ पे शो बाउंडिंग बॉक्स। हो सकता है लेटेस्ट वर्जन में कुछ और लिखा हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पे फोटोशॉप 7 के अंदर शो बाउंडिंग बॉक्स, इसको अगर टिक नहीं है इस पर क्लिक कीजिएगा, टिक मार्क आ जाएगा इस तरह से स्केलिंग का। देखिए आपको इस तरह से दिखाई देगा स्केलिंग के लिए, ये आपको यहाँ पे बटन दिखाई दे रहा है। अगर इससे भी आप स्केलिंग इसको ऊपर नीचे करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं, अगर ये नहीं है तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे जाइएगा, एडिट में जाइएगा, यहाँ पे देखिए फ्री ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन दिया हुआ है, इससे भी आप ये स्केलिंग का बटन लाइएगा और उसके बाद इसको आप इस तरह से एडजस्ट, आपके पिक्चर के हिसाब से आपको इसमें एडजस्ट करना होगा। तो हो सकता है इस तरह, देखिए मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ, तो ये देखिए ये चेहरे हो सकता है थोड़ा छोटा लगे, अब इसको यहाँ तक लगा देता हूँ, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब थोड़ा सा चेहरा में ये टेढ़ा है, तो इसको थोड़ा सा मैं इधर से घुमा भी देता हूँ, ये देखिए थोड़ा घुमा दिया, टेढ़ा सर थोड़ा टेढ़ा है इसलिए मैं इसको घुमा दे रहा हूँ, थोड़ा सा फिट कर देना है। अगर लगता है मुझे नहीं, स्पेस थोड़ा सा ऊपर में खाली होना चाहिए, अगर ज़्यादा खाली है तो इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, अगर ज़्यादा लेके चले गए तो देखिए उंगली यहाँ पर आ जा रहा है, तो क्या करेंगे इसको थोड़ा नीचे करते हैं। ये मैं इसको ठीक बीचों बीच इसको इस तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ। अब सब कुछ जब ठीक हो गया है तो यहाँ पे देखिए टिक मार्क है, अदरवाइज इंटर की प्रेस कीजिए। जब आपको ट्रांसफॉर्मेशन स्केलिंग सब हो जाएगा तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए। हो गया, हो जाने के बाद अब क्या करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा मैक्सिमाइज किया था, यहाँ पर ये जो बटन दिया कॉर्नर में, इसको रिस्टोर पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए रिस्टोर हो गया। अब बहुत बार ऐसा होता है, देखिएगा जो पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो रहता है जो खींचा हुआ रहता है, हो सकता है उसमें लाइट कुछ कम हो, उसमें कलर का कुछ प्रॉब्लम है, तो वो से भी आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो एक दो तरीका मैं आपको बता देता हूं, जो ज़्यादातर बहुत कॉमन यूज़ किया जाता है, वो तरीका क्या है, इसको कर्व से भी लाइटनेस बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर इमेज में जाके एडजस्टमेंट में जाइएगा, यहाँ पर ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट है, यहाँ से आप अगर ब्राइटनेस कम लग रहा है फ़ोटो का तो थोड़ा डल है, तो आप यहाँ से भी ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को अपने हिसाब से, फ़ोटो के हिसाब से आपको कम ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है। तो उसके बाद ओके पे क्लिक कर दिया। अब आपको लगता नहीं थोड़ा सा कलरिंग में कुछ करना है, तो यहाँ पे आप जाइए इमेज में, एडजस्टमेंट में जाइए, यहाँ पर देखिए शॉर्टकट मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं डायरेक्टली दिखा देता हूँ, बहुत बार लोगों को शॉर्टकट याद नहीं रहता है। तो यहाँ पर कंट्रोल प्लस बी दिया हुआ है, तो कलर बैलेंस करके यहाँ से भी आप इसका जो भी कलर यहाँ से आप कम ज़्यादा इसका कर सकते हैं, ये एक तरीका है। अदरवाइज़ और अगर लाइटनेस बढ़ाना है तो यहाँ पे आप इमेज में जाइए, कर्व है तो यहाँ पे देख सकते हैं, लेयर सॉरी यहाँ पे इमेज में जाके एडजस्टमेंट में जाइएगा, यहाँ पे देखिए कर्व है, कंट्रोल प्लस एम दिया हुआ है, इस पर भी क्लिक करके आप यहाँ से इसका ब्राइटनेस वगैरह लाइट वगैरह इसका बढ़ा सकते हैं। ये देखिए हो चुका है, उसके बाद ओके पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। ये सब हो जाने के बाद अब ये तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो सब कुछ ठीक हो गया भाई। उसके बाद अब करना क्या, बहुत बार ऐसे भी किया जाता है, देखिएगा अगर मान लेते हैं चेहरे में थोड़ा सा दाग धब्बा है, तो यहाँ से आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ब्लर का ऑप्शन दिया हुआ, ब्लर लेके हल्का सा यहाँ पे ब्लर चेहरा में दाग धब्बा है, तो उसको भी आप थोड़ा सा सही कर सकते हैं, वो अलग टॉपिक आ जाता है। मैं आपको तरीका बताऊँ दूसरा तरीका, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कैसे बनाते हैं, वो सब भी कर सकते हैं। ये सब तो हो गया, फ़ोटो को रिटचिंग भी कर सकते हैं। ये सब हो जाने के बाद अब फाइनल आते हैं भाई, इस फोटो का बॉर्डर देना है, प्लस इस फोटो को उस पेज में ले जाना है जिसमें जिस पेज से प्रिंट आउट होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ फाइल में जाते हैं, अब न्यू में क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू का इस तरह का डायलॉग बॉक्स आता है। अब यहाँ पे फाइनल उस पेपर में मुझे इस जो पासपोर्ट साइज़ है वो फ़ोटो, तो यहाँ तक तो ठीक हो गया, अब उस पेपर को लाना है। तो यहाँ प्रीसेट साइज़ में जाएंगे, अब यहाँ से हम लोग लेंगे 4x6। आप A4 साइज़ का भी लेता है कोई, लेटर पेज में भी प्रिंट अलग अलग प्रिंटर है तो यूज़ करते हैं, तो मैं 4x6 का जो बहुत ही कॉमन सा जो साइज़ है पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटो बनाया जाता है, जो पेपर आता है वो अलग ही पेपर आता है वो फ़ोटो निकालने के लिए, तो वो साइज़ रहता है 4x6 का, छोटा सा प्रिंटर रहता है 4x6 वाला। तो यहाँ से मैंने ले लिया साइज़, यहाँ पे इंचीज़ में देखिए सब कुछ वैसा ही सेम है, सिर्फ इंचीज़ में देख सकते हैं, रिजोल्यूशन 8GB वाइट सब एज इट इज़ है। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक बात ध्यान से देखिएगा, यह आ गया। अब इस फ़ोटो को हमें क्या करना भैया, हमें पासपोर्ट यहाँ पे तो बन गया है, अब इसको ले कैसे जाएंगे अपने पेज में, यहीं पे सबसे इम्पॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात होती है। तो इस फ़ोटो को यहाँ पे क्लिक किया, ये एक्टिवेट हो गया, यहाँ पे देखिए सिलेक्टेड दिखाई दे रहा है। अब क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे पूरा फ़ोटो को, तो यहाँ पे सिलेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन है देखिए सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑल जैसे ही करेंगे ये देखिए यहाँ तक मेरा ये फ़ोटो सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए ये सिलेक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए ध्यान से देखिए सिलेक्ट दिखाई दे रहा है,
इसको फिर से रीस्टोर करते हैं, हो गया। अब आपको सिंपली इसको ड्रैग करना है, चाहे वो आपका 4x6 का पेज हो या A4 साइज़ का, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली इसको ड्रैग करके आप इस तरह ले जाइए, फ़ोटो आप देखिएगा उसी साइज़ का जो 30-40 mm का जो लिया हुआ था यहाँ पे वो फ़ोटो आ जाएगा। लेकिन भैया ये तो फ़ोटो यहाँ पे आ चुका है लेकिन इसका बॉर्डर नहीं है, देखिए। तो क्या करेंगे, तो एक तरीका मैं आपको बताता हूँ जो बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं, वो तरीका क्या है। इस फ़ोटो को अगेन क्लिक कीजिए, ये सिलेक्टेड है, ध्यान दीजिएगा, अभी ये सिलेक्शन यहाँ पे आपको है, सिलेक्ट होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, डायरेक्टली अगर ले जाइएगा तो पूरा हाथ वो जो फ़ोटो था वो सब भी चलाएगा, तो ये सिलेक्ट रहना चाहिए। इस तरह सिलेक्ट कर लिए किया हुआ है, अब एडिट में जाइए, एडवांस में कैनवास में ही ऑप्शन रहता है, लेकिन यहाँ पुराने वाले वर्सन में यहाँ पर एडिट में जाके आपको स्ट्रोक पर क्लिक करना है। स्ट्रोक पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर कम से कम 4 पिक्सल जो स्टैंडर्ड है लिया जाता है। अब यहाँ पे कलर है, कलर देखिए, यहाँ पे मैं हल्का सा ब्लैक ले लेता हूँ, या हल्का सा जो देखिएगा बहुत हाई कलर का जो ग्रे टाइप का कलर आता है वो सब भी आप ले सकते हैं। तो फिलहाल मैं ब्लैक ले रहा हूँ, वाइट फ़ोटो बैकग्राउंड तो अच्छा लगेगा, अगर कलरफुल है तो उसमें आप ग्रे कलर का ले सकते हैं, हो गया। यहाँ ब्लैक चूज़ कर लिया, ब्लैक आ गया, अब ओके पर हम लोग क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए मैं जो यूज़ कर रहा हूँ इनसाइड यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि सिलेक्शन जो मेरा है वो अगर आप आउटसाइड कीजिएगा तो नहीं आएगा, तो यहाँ पे मैंने इनसाइड चूज़ किया हुआ है, नॉर्मल है, मोड है, सब कुछ एज इट इज़। अब ओके पे क्लिक कर देते हैं, ये देखिए बॉर्डर यहाँ पे आ चुका है, लेकिन सिलेक्शन अभी हटाना नहीं है, इसमें बॉर्डर आ चुका है। अब इसको मैं रीस्टोर कर देता हूँ, वापस हम लोग विंडो में चले जाते हैं, ये हो गया। अब क्या करना है, इस फ़ोटो को हम लोग ड्रैग करके ले जाते हैं, ये देखिए, ये मैं फ़ोटो लेकर आ रहा हूँ, तो देखिए विथ देखिए यहाँ पर आप देखिए इसके साथ इसका बॉर्डर भी आपको मिल गया, तो ये तो यहाँ पर फ़ोटो आ गया। बॉर्डर रहेगा तो आपको पता चलेगा स्पेसिंग है, तो वाइट काटिएगा कैसे, थोड़ा सा गैपिंग होना चाहिए, ये तो आ गया। उसके बाद आप क्या करना है, यहाँ पे तो इस पेज में फ़ोटो आ गया, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है तो इसको साइड में भी रख सकते हैं। अब इस पर थोड़ा काम करते हैं, यहाँ पे आ गया, थोड़ा सा इसको मैक्सीमाइज़ कर देते हैं, ये देखिए मैक्सीमाइज़ कर दे रहा हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये फ़ोटो यहाँ पर आ चुका है। अब काम क्या है, फ़ोटो तो आ गया पेज में, अब इसको ऑल्ट के साथ यहाँ पर ड्रैग कीजिए, ऑल्ट की है देखिएगा, यहाँ पे इसको इस तरह से ड्रैग कीजिए, बीच में स्पेस होना चाहिए जिससे आप कटिंग कर पाएँ फ़ोटो को। अब यहाँ पे आप एक एक फ़ोटो को सिलेक्ट कीजिएगा तो दिक्कत होगा, तो शिफ्ट दबा के दूसरे को सिलेक्ट किया, तीसरे को सिलेक्ट किया, अब यहाँ से कंट्रोल डी भी प्रेस कीजिएगा तो भी होगा, कंट्रोल के साथ डी मैं प्रेस करता हूँ, ये देखिए मैं ड्रैग करूँगा, यहाँ नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है, या ऑल्ट पकड़ के सबको सिलेक्ट करके ऑल्ट पकड़ के इस तरह आपको ड्रैग करना है, ये देखिए मैं यहाँ पर ऑल्ट दबा रहा हूँ। उसके बाद अगर ऐसे नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं, एक एक को भी आप ले जा सकते हैं यहाँ से, ये मैं क्लिक कर दे रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक किया, देख सकते हैं सब लॉक हो गया, कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं पहले, ऐसे यहाँ पे ऑल करके इसको मैं यहाँ से इसको ऐसे लगा दे रहा हूँ, ऐसे आ गया, फिर इसको ऐसे लगा दीजिए यहाँ पर, एक दूसरे को यहाँ पर लगा देते हैं, वैसे भी ले जा सकते हैं, अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, हो सकता है उसका जो यूज़ कर रहा हूँ उससे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ तरीका पता होना चाहिए। ये आ गया फ़ोटो, अब यहाँ पे 3-3-6, अब यहाँ पे 4 फ़ोटो और लगा देना है सिंपली। तो क्या करेंगे, इस फ़ोटो को ड्रैग किया, ऑल्ट की दबाया, यहाँ पे लगा दिया ऐसे करके, लेकिन इसको इस तरह सीधा सीधा में सारे फ़ोटो नहीं आएंगे, तो इसको घुमाने के लिए सिंपल तरीका सभी को पता है, एडिट में जाइए, ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म में जाके यहाँ पे रोटेट 90 CW पे क्लिक करिएगा, यहाँ आ जाएगा फ़ोटो, हो गया। अब इसको फिर ऑल्ट पकड़ के ऐसे ड्रैग करके ऑल्ट दबाना होगा, ये मैं ऑल्ट दबा रहा हूँ, ऑल्ट की ठीक से प्रेस नहीं हो रहा, इस पर दबा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ऐसे ऑल्ट पकड़ के आप इसको ऐसे के लगा दीजिए, ऑल्ट की है कीबोर्ड से, ऐसे लग गया। तो इस सिंपल तरीके से यहाँ पर देखिए एक दूसरे तरीके, दूसरे मेथड से बिना क्रॉप टूल का भी आप पासपोर्ट साइज फ़ोटो इस तरह से बना सकते हैं, प्लस बॉर्डर भी आप लगा सकते हैं, सिंपल तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देख सकते हैं आप, ये देखिए फ़ोटो, ये देख सकते हैं, तो इस तरह से आप फ़ोटो बना सकते हैं। उसके बाद प्रिंट यहाँ पे जिसमें बॉर्डर स्टार्टिंग में मैंने जो बताया था आपको, यहाँ पर बॉर्डर नहीं है उस फ़ोटो में, लेकिन बाकी सब में देखिए यहाँ पर बॉर्डर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये दूसरा तरीका आपको समझ में आया होगा, बहुत ईजी तरीका है, सिर्फ आपको प्रोसेस फॉलो करना है, आप बना सकते हैं। अगर कहीं पे आपको दिक्कत हो रहा है तो कमेंट अवश्य कीजिएगा, और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये देख सकते हैं पूरा फ़ोटो, ये था दूसरा तरीका।